मुबारक हो, आरसीबी ट्रॉफी जीत गई है, आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी जीत गई। ये कैसे मुमकिन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सारे लोग जो कि आरसीबी को बिल्कुल बकवास और घटिया किस्म की टीम कहते थे, आज उन लोग के मुंह पर जूता पड़ा है क्योंकि आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल को अपने नाम कर लिया। आरसीबी की चोरियां किसी से कम है क्या भाई? जो लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियों ने कर दिखाया। तो बहुत ही खूबसूरत एक हमें मंजर देखने को मिला, ऐसे मनाजिर जो दुनिया क्रिकेट में इस तरह के मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। की क्लासेस लेनी चाहिए बाबर आजम को सुमित मंदाना से, क्योंकि उस लड़की ने वो काम कर दिया जो कि यहाँ पर बाबर आजम साहब इतने सालों में नहीं कर पाए, अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं जीता पाए। अगर सुमित्र मंदाना कर सकती है, पैरी कर सकती है, डिवाइन कर सकती है, तो व्हाई नॉट फैब डू प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, व्हाई नॉट, ये कर सकते हैं। जो लोग ट्रोल करते थे आरसीबी को आरसीबी बोलते थे, तुम्हारी जगह पता कहाँ पे है अब? 16 साल में जो उनके लड़के नहीं कर सके वो 2 साल में उनकी लड़कियों ने कर दिया है भाई। मैं कहता हूँ कि इनको सीखना चाहिए। गवर्नमेंट में भी अब इतना वो आ गया, क्राउड आ गया कि देख के हैरान है यार, क्या खा के खेलते हैं ये लोग। मैंने तो दुआ इसलिए की थी कि आरसीबी जीते क्योंकि इसके अंदर विराट कोहली है। विराट कोहली बेशक वुमेन्स में नहीं खेल रहा लेकिन आरसीबी फेमस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली किंग कोहली, विराट कोहली। वो आरसीबी आज लास्ट ईयर जो है बाय हो गई थी, जो है वो आउट हो गई थी टूर्नामेंट से, सेमीफाइनल में भी नहीं थी आई, लेकिन इस साल आरसीबी ने इंडिया का वो पीएसएल से ज्यादा हाइप पे गया है, वो ज्यादा कामयाब है पीएसएल 9 की निस्बत। और दूसरी बात वो ये चेक करें कि भाई यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मैच हो रहे थे तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई हमसे फ्री टिकट्स लो और यहाँ पे आके हाली क्राउड पूरा करो पीएसएल में। ये कुछ हो रहा था, 4-4 मंजिलें हैं बट हर एक मंजिल से क्या कमाल का व्यू है, क्या कमाल का क्राउड था, पूरा दिल्ली आज गूंज रहा था आरसीबी 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 के नाम। जो मंदाना असली और जो पैरी पैरी जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आया जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल में क्राउड देखा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने कल देखा कि किस तरह से डब्ल्यूपीएल के फाइनल मुकाबले में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल को हराकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार आरसीबी की टीम ने फाइनल जीता है, वो भी वुमेन्स टीम ने। और जिस तरह से स्मृति मंदाना के कप्तानी में आरसीबी की टीम की परफॉर्मेंस रही है, पूरी तरीके से सभी लोगों को शॉक्ड कर दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि किस तरह से थ्रिलर मुकाबला डब्ल्यूपीएल के फाइनल मुकाबले में हुआ, ऐसा तो पीएसएल में कभी नहीं होता है। कोई आरसीबी का फैन है, कोई विराट कोहली का फैन, तो भाई आरसीबी ने लड़कियों की आरसीबी ने वुमेन्स की आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया है, मतलब आप अंदाजा लगा लो, ऐसा पाकिस्तानी मैं भाई मेरी मैं वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी जीत को समझता हूँ, मतलब आप अंदाजा लगा लो, ये लाइन बनी नहीं आज तक, एग्जिस्ट नहीं थी करती कि आरसीबी आईपीएल जीत गई है। आरसीबी आईपीएल जीती है, बेशक लड़कियों की जीती है लेकिन आरसीबी आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत चुकी है, पकड़ के बजा दिया आरसीबी ने दिल्ली का, दिल्ली का घंटा बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने, मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया आरसीबी ने, बेटा बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने आज, मतलब यार कोई भी विराट कोहली का फैन होगा ना, मुझे नहीं लगता कि अगर वो आज खुश नहीं ना हो तो वो विराट कोहली का फैन नहीं है, क्योंकि विराट कोहली का तलक है आरसीबी से और आरसीबी वर्ल्ड कप जीत गया, ऐसा समझ लो सर। आरसीबी आईपीएल जीत चुकी है 2024, मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया लड़कियों की टीम ने। यकीन है मतलब इस तरह की लीग सारी जिंदगी पाकिस्तान नहीं कभी करवा सकती, पाकिस्तान ने अपना कर्जा भी उठा के जो मर्जी कर ले, इतना टैलेंट वुमेन आईपीएल तक नहीं पहुंच सकती यार। वुमेन आईपीएल छोड़ो, जितनी वुमेन आईपीएल के अंदर प्लेयर्स ऑक्शन में बिकते हैं ना, इतना तो पीएसएल के अंदर कोई भी बाबर आजम नहीं इतना महंगा बिकता होगा जितना वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर ये लोग प्लेयर खरीद लेते हैं। वुमेन आरसीबी तो जीत गई है, क्या मैन आरसीबी भी जीत पाएगी विराट कोहली की टीम? यार मेरी तो पूरी दुआ है यार, पूरी यकीन ना मानो, आरसीबी आरसीबी को चाहिए कि ना इस बार ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग जाए कि वुमेन्स ने भी ट्रॉफी लिफ्ट कर ली और अब रह गया मेंस। मेरी पूरी दुआ है रमजान का महीना, मैं तो स्पेशली दुआ करूंगा कि यार आरसीबी विराट आरसीबी ना जीते, बेशक विराट कोहली जीत जाए, विराट कोहली के नाम पे आईपीएल की ट्रॉफी इस बार बन। इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर जितना क्राउड था ना, यकीन ना मानो मुझे आज तक इतना पीएसएल के फाइनल के अंदर क्राउड नजर नहीं आया, और ये सारी जिंदगी पाकिस्तान भी जोर जिस मर्जी चीज का जोर लगा लो कभी इतना क्राउड इंगेज नहीं कर सकता जो इंडिया ने अपने वुमेन्स आईपीएल के अंदर इंगेज कर लिया। ये भाई जबरदस्ती क्राउड लेकर आने वाला नहीं है, ये लोगों का शौक था कि भाई हम लोग भी जाके अपने वुमेन्स का टैलेंट देखें। ये नहीं कि मैच भी बहुत एंटरटेनिंग था ना, मैच मैं वही तो कह रहा हूँ, 65 स्कोर पे 0 आउट, लेकिन जो एक आते साथ ही एक ओवर में 3 विकेटें गिरी है ना, मैंने आज तक इस तरह का मैच पूरे पीएसएल के अंदर मेंस का नहीं मैंने देखा। अगर सुमित्र मंदाना कर सकती है, पैरी कर सकती है, डिवाइन कर सकती है, तो व्हाई नॉट फैब डू प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, व्हाई नॉट, ये कर सकते हैं दिनेश भारती, ये लोग कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। देखिए आरसीबी एक हमेशा से बड़ा ब्रांड रहा है और आईपीएल की ट्रॉफी को हर टीम जीती है, हर फैमिली खुश होती है, हर फैन बेस खुश होती है, लेकिन
जिस दिन आरसीबी ट्रॉफी जीतेगा उस दिन पूरा इंडिया खुश होगा, वो इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि विराट कोहली ट्रॉफी पिक करे और विराट कोहली ट्रॉफी आईपीएल की उठाए, जो कि मौका मिल नहीं रहा देखने को। अब इस आरसीबी की टीम को देख के खुशी आई है, उम्मीद आई है कि अगर ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मुबारकबाद स्मृति मंधाना को, शानदार किस्म की कैप्टनसी उन्होंने करके दिखाई है। 5 टीमों में से चैंपियन बनना कोई आसान चीज नहीं होती। मैं कहूंगा दिल्ली ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, मुंबई ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आरसीबी इन सबसे अच्छी थी, तभी वो ट्रॉफी अपने नाम करके बैठ चुकी हुई है। बहुत बहुत मुबारकबाद दो। पर आपने देखा होगा कि भाई वुमेन क्या नाम है इंडिया के जो आईपीएल चल रहे हैं वुमेन का, वो इस बार उसकी हाइप है जो वो पीएसएल 9 से भी ज्यादा है। बहुत जबरदस्त मैच भाई, मैं मतलब के देख रहा था कि भाई कल सेमीफाइनल हुआ है, ठीक है ना, कोई क्राउड वहां पे ना कुछ ऐसा वैसा भाई। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं क्या नाम है आईपीएल वुमेन मैच की, वहां पे भाई जहां तक मैंने देखा ना मैच भाई, कोई एक सीट भी खाली नहीं थी, मतलब कि इतना ज्यादा क्राउड था। मैं क्राउड देख के इतना ज्यादा हैरान परेशान हो गया कि भाई इतनी आवाम कहां से आ गई। मतलब कि आपके लिहाज से वुमेन आईपीएल पीएसएल ज्यादा सक्सेसफुल गया? बिल्कुल यार सक्सेसफुल हो गया। और वहां पे क्या नाम है जिस तरह वो परफॉर्म कर रही हैं लड़कियां, मतलब कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मिंग भाई, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या नाम है जितना क्या नाम है बाबर आजम को इतने पैसे देकर नहीं खरीदा गया, जहाँ पे वहाँ पे वुमेन आईपीएल में लड़कियों को देकर खरीदा गया, इतनी ज्यादा हाइप है लड़कियों की। तो आप देख सकते, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। कब से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं हम, कब से आरसीबी के सपोर्टर हैं, मतलब इतनी जबरदस्त आरसीबी को सपोर्ट। और मेरे पीएसएल के घंटों, आप भी बाहर आओ ना, क्राउड देखा है? नहीं क्राउड देखा है आईपीएल में, सॉरी डब्ल्यूपीएल में वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है? इधर पाकिस्तान में मेरे घंटों छनकना, इधर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये जो प्लेऑफ्स हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल फाइनल हुए हैं, इनकी छनकना, हाली स्टेडियम भरे पड़े हैं, उधर फुतर मैच देखने नहीं आ रहा उधर। देखा आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, वो बात है उसको साइड पे कर दो, डब्ल्यूपीएल की बात करो। WPL का जो क्राउड है ना, वो PSL से 1000 times ज्यादा था, मतलब PSL की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आएगा जितना WPL का फाइनल में क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की, ये क्लास है BCCI की, ये उनकी अवाम, जिस तरह उनकी अवाम इंगेज होती है, इंटरेस्ट शो करती है, लड़कियों की क्रिकेट देखने के लिए कितनी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनकी अवाम। और आपके फुदड़ PSL में, PSL के प्ले ऑफ में सारे हाली स्टेडियम भरे हुए हैं, आली स्टेडियम है, लेकिन पूरे ग्राउंड पीएसएल को छनकने पे चढ़ गई पीएसएल, खुद पीएसएल को पूरे ग्राउंड इधर मंधाना ने वो कर दिखाया जो ना फाफ डुप्लेसिस कर पाया, ना विराट कोहली कर पाया, ना शेन वॉटसन कर पाया, ना डैनियल विटोरी कर पाया, ना अनिल कुमरे कर पाए, ना केविन पीटरसन कर पाए, ना राहुल द्रविड़ कर पाए। ये सारे वो कॉमन नाम है जिन्होंने 16 साल में आरसीबी 2008 से लेके 2024 तक 2023 तक इन्होंने आरसीबी की तरफ से कप्तानी की। ये वो सारे कप्तानों के नाम है जो कि बड़े करीब आए। 2009 में रनर अप हुए अनिल कुंबले, 2011 में डैनियल विटोरी रनर अप हुए, 2016 में विराट कोहली रनर अप हुए, शेन वॉटसन वॉज अ स्टैंड इन कैप्टन लेकिन मैं फिर भी उनको इस लिस्ट में डालूंगा। प्लेऑफ्स तक गए 2022 में फाफ डुप्लेसी, और 7वें-8वें नंबर पे खत्म हुए थे राहुल द्रविड़। लेकिन किस्मत बदली, किस्मत इस तरह बदली कि पिछले साल ये टीम, बड़े बड़े नाम थे इस टीम के अंदर जो कि WPL का इनॉग्रल टूर्नामेंट खेल रही थी। सो विराट कोहली आए ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने बोला इट इज नॉट अबाउट लूजिंग, इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट गिविंग योर लेवल बेस्ट, इट इज ऑल अबाउट कंपीटिंग। हम 16 साल से हार रहे हैं लेकिन हर दफा खड़े होते हैं हर जज्बे के साथ, लेकिन इट वॉज नॉट नोन इवन टू विराट कोहली एंड ऑल दीज गर्ल्स के एक साल में 12 महीनों में ऐसी काया पलटेगी कि लास्ट ईयर इनॉग्रल WPL की आरसीबी अगले साल आएगी और सबको रोनती हुई अपना मेडन टाइटल जीत जाएगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आरसीबी की टीम ने इस WPL के फाइनल मुकाबले में प्रदर्शन दिखाया है, पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल को हैरान कर दिया है। और जिस तरह से आरसीबी की टीम ने मतलब फाइनल जीता है, पूरे क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि आरसीबी की टीम फाइनल जीते, और फाइनली आरसीबी की टीम ने फाइनल जीत कर साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। और जिस तरह से वुमेन्स आईपीएल में इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है आरसीबी की टीम, तो आप समझ सकते हैं कि कितना थ्रिलर मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल के बीच में। आप समझ सकते हैं कि आरसीबी मेंस टीम को इससे सीखना चाहिए। और जो लोग बातें कर रहे थे कि आरसीबी की टीम कभी फाइनल नहीं जीत पाएगी, आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस आरसीबी की जमकर तारीफ कर रही है, मतलब आप सबने वीडियो में देखा होगा, वहीं आपको बताते हैं कि जो काम मतलब विराट कोहली नहीं कर पाए, फाफ डुप्लेसिस नहीं कर पाए, वो काम स्मृति मंधाना ने सिर्फ दूसरे सीजन के WPL के फाइनल में कर दिया है। पिछले सीजन मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा क्योंकि नीचे से सेकंड नंबर पर थे, और इस बार पूरी तरीके से WPL के फाइनल को जीत कर ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह का ये थ्रिलर मुकाबला हुआ, पूरे मतलब क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल जीत जाएगी क्योंकि जिस तरह से बल्ले
बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो गया। लेकिन जब आरसीबी की टीम बैटिंग करने आई तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से उतरी मैदान में, और जिस तरह से स्मृति मंधाना और एलिस पैरी ने प्रदर्शन दिखाया इस टोटल मतलब डब्ल्यूपीएल के फाइनल में और डब्ल्यूपीएल के पूरा टूर्नामेंट में, आप सबने देखा ही होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।